नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन गंगोह इकाई व प्रेस क्लब से जुड़े ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन गंगोह इकाई व प्रेस क्लब से जुड़े पत्रकारों ने प्रदर्शन कर थाना गंगोह के थाना अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाते हुए बताया गया कि बसपा के एक सभासद पहल सिंह सैनी द्वारा अपनी दबंगई का परिचय देते हुए खुलेआम पत्रकार को सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया गया, जिसमें अभद्र टिप्पणी करते हुए अपशब्द का प्रयोग किया गया है। इसी के विरोध में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन गंगोह इकाई के अध्यक्ष अफजल खान और प्रेस क्लब अध्यक्ष सुरेंद्र अरोड़ा के नेतृत्व में समस्त पत्रकारों ने एकजुट होकर थाने में अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले सभासद के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाने की मांग की। ऐसा हुआ कि नगर पालिका में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभासदों के बीच विवाद चल रहा था, उसे निपटान करने के लिए 19 तारीख में माननीय SDM नकुल श्री अजय कुमार जी पहुंचे थे और उन्होंने बैठ के आपस में बातचीत कराई, समस्याओं के बारे में कहा कि भाई सब मिलजुल कर काम करें, ऐसी बात सबने स्वीकार की। फिर 9 सदस्य जिन्हें वाल्मीकि समाज के लोगों को नगर पालिका ने किसी दुराग्रह से या किसी भी वजह से उन्हें हटा दिया था, उनकी बहाली की बात की गई, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसका समाचार मैंने भी और मेरे अन्य साथियों ने भी सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित किया। उस समाचार को लेकर एक सभासद ने एसओबी ने टिप्पणी करते हुए सोशल मीडिया पर मेरे ऊपर न जाने क्या क्या बातें लगाई, क्या क्या उसने कहा कि मैं घटिया दर्जे का पत्रकार हूं और ब्लैकमेल करने का काम करता हूं, इस तरह की बातें करते हुए उन्होंने वो जारी किया। तो ये बात बेहद शर्मनाक निंदनीय है। मेरे मौलिक कौन सी पार्टी से आते हैं? मैं बहुजन समाज पार्टी के सभासद हैं। तो इस बात से मुझे और मेरे सभी साथियों को बड़ी बुरा लगा। आम नागरिकों ने भी मेरे से कहा कि भाई इस तरह की घटिया बात करने वाले के खिलाफ पुलिस में तहरीर देनी चाहिए, पुलिस से एक्शन की मांग करनी चाहिए। आज उसी संबंध में हम कोतवाली पहुंचे और कोतवाल प्रभाकर केंतुरा जी को हमने ज्ञापन सौंपा और उनसे कार्रवाई की उम्मीद जताई। क्या आश्वासन दिया उन लोगों ने? उन्होंने आश्वासन ये दिया कि जो भी संभव हो सकेगा वो कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। वक्त हो चला है आप सभी का लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।